हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स बीपीएससी से जो है फॉर्म फिल किया जा रहा है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का। फॉर्म फिल करने में, फॉर्म को भरने में स्टूडेंट्स को काफी परेशानी हो रही है। बहुत सारे लोगों का तो पैसा फंस गया है, या तो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सब कुछ हो गया, पैसा कट गया है लेकिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ। एंड दूसरा जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ओटीपी को लेकर के आ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, आप ही लोग के कॉमेंट्स है जिन लोगों ने फॉर्म भरने का ट्राई किया है और उसके बाद या तो उनका ओटीपी ही नहीं आ रहा है, दूसरी चीज अगर उनका ओटीपी ले लिया है, पैसा भी कट गया है तो भी उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आपको एक्चुअली में स्टेप वाइज क्या क्या चीजें जो है करनी है ताकि आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो सके और आप लोग का जो है फॉर्म भरा जाए, तो हम इस वीडियो में जो है यही चीज डिस्कस करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, एक अधिकारी, बीपीएससी के जो अधिकारी हैं, उन्होंने जो भी इसके बारे में बात बोली है, उन्होंने क्या बोला है कि अगर किसी बच्चे का जैसे पैसा कट जाता है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उनको क्या करना है, आइए पहले उनकी बात को सुन लेते हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो। हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि हम लोग फॉर्म भरते हैं तो ओटीपी ऑलरेडी ले लेता है, जबकि पेमेंट भी हो जाता है उसके बावजूद भी ये नहीं दिखाया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया सर, तो वैसे अभ्यर्थी क्या करेंगे सर? तो ये अगर इन जनरल प्रॉब्लम है तो मैं खुद ही आज देखता हूँ, आईटी मैनेजर से मैं बात करता हूँ, लेकिन किसी खास व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होता है तो कन्फर्मेशन के लिए इसका जो नंबर है बीपीएससी का उसे पूछकर कंफर्म हो सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सो फ्रेंड्स, आपने सुना कि इन्होंने क्या बोला, इनका सिंपल यही कहना है कि ये जो भी आप, पहले तो मैं बता दूं कि ये जो इंटरव्यू आप देख रहे हैं ये 2 दिन पहले का इंटरव्यू है, तो ये जो चीजें आप फेस कर रहे हो आज से नहीं है, 2-3 दिनों से जो है सभी बच्चे इसको फेस कर रहे हैं, पैसा कट जाना, ओटीपी नहीं आना, सर्वर का प्रॉब्लम, ये सभी चीजें जो है चल रही है। अभी जो है इन्होंने जो बोला है कि अगर ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है ना, अगर ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, और अगर ये सभी के साथ हो रहा है तो इन्होंने बोला है कि ये स्टेप लेंगे, ये जाकर के खुद संज्ञान लेंगे और करेंगे। अब 2 दिन पहले ये बात इन्होंने बोली है और अभी तक अगर बच्चे ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं इसका मतलब कि इन्होंने देखा नहीं है। चलिए मैं आपको बताऊं कि आपको एक्चुअली में करना क्या है, उससे पहले आइए आपके पहले कॉमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही है। यहां पर सबसे पहले आप देखिए, पहला है कि ओटीपी नहीं आ रहा है फोन पे, ये तो सबसे ज्यादा अभी होने वाला प्रॉब्लम है। सर मेरा भी हुआ है सेम, मैंने मेल किया है, इन्होंने मेल भी किया है, भाई ओटीपी 3 दिन से ट्राई कर रहा हूं नहीं आ रहा, 3 दिन से बच्चे जो है परेशान है। सर सरदर्द हो गया है फॉर्म को लेकर के, सबमिट एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन ही जो है इनका सबमिट नहीं हो रहा है। अब चलिए मैं पहले आपको बताऊं कि करना क्या है आपको, आपको आना है बीपीएससी के साइट पर, ठीक है, बीपीएससी के साइट पर आकर के आप लोगों को जो प्रोसेस जो वीडियो में उन अधिकारी ने बताया है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। यहां पर जब आएंगे तो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कॉन्टेक्ट अस, दिख रहा है यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, इस पे आपको क्लिक करना है। कॉन्टेक्ट अस पे जब आप क्लिक करते हो तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखो ये जो आपका पैसा कटने वाला है प्रॉब्लम और पैसा फंस जा रहा है आप लोगों का और आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो ये आईटी से रिलेटेड है और ये सर्वर का प्रॉब्लम है, ये सभी चीजें आईटी से रिलेटेड है। तो आपको देखो आईटी ऑनलाइन सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये नंबर पे आपको कॉल करना है, इस नंबर पे जो है आपको ज्यादा से ज्यादा जो है कॉन्टेक्ट करना है। देख लीजिए ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, मैं नहीं होता है तो ऊपर में भी लिख दे रही हूं, वैसे ये आपको जो है साइट पर मिल जाएगा। इसमें जो नंबर आप लोगों को दिया गया है 9297, ठीक है, 39013, इस नंबर पे आपको कॉन्टेक्ट करना है, ठीक। दूसरी चीज आप एक और काम कर सकते हो, मेल, मेल करना मैं तो बोलूंगी ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, मेल करना इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें आपको जो है जो आपका पैसा कटा है उसका स्क्रीनशॉट या फिर आपका ओटीपी नहीं आ रहा है वो और अपना डिटेल सभी चीजें अच्छी तरीके से जो है आप लिख करके भेज सकते हो। तो ये आप मेल कर सकते हैं, मेल आईडी देखिए बीपीएससी PAT फिर उसके बाद से desk@nic.in पे, तो यहाँ पे आपको मेल करना है पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ
और अपना जो है एप्लीकेशन नंबर के साथ। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एक या दो बच्चे कर रहे हैं तो इतना ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन अगर सभी बच्चों के साथ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको करना पड़ेगा, और आप करोगे तभी आपकी बात को सुनी जाएगी, वरना आज ये 10 तारीख हो चुका है, अब से 2 दिन बचे हुए हैं आप लोग के लास्ट डेट में, और आप ज्यादा से ज्यादा मैसेज करोगे तभी उनको पता चलेगा कि हाँ अभी कैंडिडेट्स बचे हुए हैं तो डेट भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये प्लीज आप कीजिए ताकि आपका फॉर्म फिल हो, और अगर आप अभी ये सभी चीजें जो है आप ही के हाथ में, आप ही को जो है इसको आगे बढ़ाना है। एक जगह और आपको करना है, वो है आपका ट्विटर पे। जैसे आप जानते हो कि ट्विटर पे जो है जो इसके चेयरमैन है बीपीएससी के, वो काफी एक्टिव है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसी पर देते हैं। तो यहां पर आपको इनका ट्विटर हैंडल हम दिखा रहे हैं, यहां पे आपको मैसेज करना है, ट्वीट करना है। एक और बात देखो, ट्विटर एक ऐसा आप लोगों के लिए हथियार है जिसमें आपकी बातें सुनी जाएंगी, और ऐसी भी बात है कि अतुल प्रसाद जी जो हैं, जो चेयरमैन हैं, वो काफी एक्टिव है ट्विटर पे। तो आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। इनका पहले तो ट्विटर हैंडल आप नोट कर लीजिए, @AtulPMAIL, ठीक है, अतुल मेल। तो इस पे आपको करना है, ठीक, क्या करना है, अपना एक अच्छा सा ट्वीट, और जो प्रॉब्लम्स आपके हैं, चाहे आपका ओटीपी नहीं आने वाला प्रॉब्लम है, या फिर जो है आपका पैसा फंसा हुआ है प्रॉब्लम, और जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, तो वो पूरा डिटेल और अच्छा सा ट्वीट जिसमें कि आप बताइए कि आप कितने दिनों से सफर कर रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ये करना पड़ेगा, जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है उनको करना होगा, तभी जाकर के आपकी बातों को सुना जाएगा। तो इसमें आपको इनको टैग करना है और अपना एक अच्छा सा ट्वीट लिखना है, एंड अपना जो भी अटैचमेंट है वो कर डाल दीजिए, ताकि उनको पता चले कि आप जेन्युइन हो, ऐसे मतलब कोई फेक जो है नहीं कर रहा है। तो ये चीजें आपको करना, तो ये 3 तरीके से आप जो है अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है कि क्या एक या दो बच्चों के साथ हो रही है, नहीं, मैक्सिमम बच्चों के साथ जो है ये चीजें अभी चल रही है, और बच्चे फेस कर रहे हैं घंटों, रात भर जो है वो लोग अपना साइबर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ करके कर रहे हैं, बहुत परेशान हुए हैं रियली में इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एक चीज और मैं बताती हूँ, सर्वर में अभी भी प्रॉब्लम है, सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है, फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ही आपका ये तो या ओटीपी नहीं आ रहा है, या फिर आपका जो है वो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, या आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, सब सर्वर की वजह से। आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि आपके पर्सनल जो है ऐसे इंडिविजुअल आप लोगों की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बातें आपको सामने रखनी है ताकि सभी लोग जो है इस बात को समझे, एंड डेट भी आपको कुछ बढ़ाया जाए। 12 जुलाई लास्ट डेट है और अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो बस ये आपके हाथ में ना ही, बीपीएससी तो पूरी तरीके से सो गई है, 1-2 ट्वीट आ रहे हैं ये कर दे रहे हैं, उसके बाद से कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, और जाकर के इंटरव्यू भी लिया जा रहा है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि बस ठीक हो जाएगा, आज शाम तक ठीक हो जाएगा, ज्यादा बर्डन हो गया है इसलिए हो रहा है, ज्यादा ट्रैफिक हो गया है इसलिए हो रहा है। एक दिन में अगर 30,000 से 35,000 से फॉर्म आ रहे हैं या 40,000 आ रहे हैं, तो इससे अगर साइट पे इम्पैक्ट इस तरह से आ रहा है, तो फिर बताओ कि बच्चे कैसे फॉर्म भर पाएंगे। तो इसलिए उनके ऊपर आपको छोड़ना नहीं है कि वो ठीक कर देंगे, आज या कल के ऊपर नहीं छोड़ो, टाइम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए, मेल कीजिए, कॉल कीजिए, हर तरह से अपनी बातों को रखिए, और आप ज्यादा से ज्यादा लोग अगर ऐसा करते हैं तो ये डेट आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि इधर का टाइम पूरी तरीके से बर्बाद हुआ है स्टूडेंट्स का। तो इधर का टाइम अगर बर्बाद हुआ है तो आगे उनको टाइम मिलना चाहिए, ये उनका जो है अधिकार है। तो ये चीजें जो है बीपीएससी से अभी आ रही है, जिसमें प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो और हम आपके प्रॉब्लम्स को जो है सामने रख रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे कि ये सभी तक पहुंच सके। बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास थे, लेकिन हमने सिलेक्टेड कमेंट ही लेकर के आए, क्योंकि सेम प्रॉब्लम है बच्चों का। तो आप लोग जो है उनके कान तक पहुंचाइए एंड अपना भी एफर्ट लगाते रहिए। और कोई अपडेट आएगा या फिर आपको हमसे कोई हेल्प की जरूरत है, तो आप इस वीडियो में कॉमेंट करना, या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस।